अच्छे रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिनको मिलने से डर लगता है. क्यों? क्योंकि वो हाल चाल बाद में पूछते, पहले आपकी इनकम पूछते हैं. और बेटा कितने कमा लेते हो आजकल? तो आदमी फिर जानबूझ के अगर कम बताते हो तो बेइज्जती करते, इससे अच्छा रिक्शा चला लेता. और अगर ज्यादा बोल दो तो अगले दिन उधार मांगने आ जाते हैं. तो समझ में नहीं आता कि इनसे इज्जत बताएं कि पैसे. कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो किसी की 13वीं पे आते हैं ना, वहां पे भी कमियां निकाल देते हैं. कमियां भी तरीके से निकालते हैं. भाई दादाजी को राजभोग बहुत पसंद था, वो नहीं बनाया. ओ गॉड. इनको खुद का मन कर रहा होता है, इन्होंने 7 साल से खाया नहीं होता. मैं रिश्तेदारों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म, राम प्रसाद की 13वीं, जिसमें उनकी फैमिली का सामना भी कुछ ऐसे रिश्तेदारों से हो रहा है. तो चलिए फिल्म की कास्ट को स्टेज पे इनवाइट करते हैं. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम कोंकणा सेन शर्मा, सीमा पावा, मनोज पावा एंड निनाद कामत. सीमा जी, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे. थैंक यू. देख लो इतनी बार आ चुके हैं ना मनोज सर, सीमा जी, तो मतलब अभी मैंने बोला भी नहीं, बैठ जाओ, खुद ही आ गए. और सुना, ये होती है घर की बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा कौन कहता है 2020 बुरा साल निकला. देख लो कोंकणा, आपको साल के लास्ट में खुशखबरी मिली गई कि आप हमारे शो पे आ रही हैं. मैंने जितनी बार आपको फिल्मों में देखा, आप काफी सीरियस दिखती हैं. आज आप बड़ी ब्लश कर रही, कहीं मुझे देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ. पर आप सीरियसली काली साड़ी में जब एंट्री ली, मुझे लगा मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पता है. हमें अच्छा सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी. और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं. आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का. देख लो, ज्यादा मत आओ, यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह. मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है. मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है. सुन रही हैं आप? नहीं, मैं क्या आपको बात सुनी आपने? तेरे से कम ही आई हूँ यहाँ. निनाद सर, आप पहली बार आए हैं. यस सर. लोगों से बहुत सुना है आपने मेरे बारे में. तो आज आपको साक्षात मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता था कि शायद मैं आपके शो का हिस्सा बन सकता था बहुत साल पहले जब. Really? शायद या तो तब मैं शायद कुछ शूट कर रहा था एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कभी तभी हुआ नहीं, हो नहीं पाया. रिसेंटली कीकू ने मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर समथिंग जस्ट बिफोर, मेरे ख्याल से आपने जो ब्रेक ले लिया था बीच में. ओके. ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज आके गई एंड टुडे तब तक ब्रेक. तो फिर आप मना क्यों कर देते हैं हर बार? मैंने कहा जब आए तब ब्रेक हो गया. मैं वही बोलने वाला था कि फिर मैंने बोला कि बस यार कपिल शर्मा शो चलते रहना चाहिए और इसलिए मैं नहीं आता हूँ. नहीं सर, मोस्ट वेलकम. आपका खुद का शो है, अपना शो है. जब आपको कैसा लग रहा है कि मेरे बगैर भी शो इतना चल गया, तो आपको कैसा लग रहा है? वाओ सर, अब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा शो में, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है. दैट विल बी माय प्लेजर सर, माय ऑनर. ये आपने जो शर्ट का कलर पहना है, कोंकणा के चक्कर में तो नहीं पहना आपने? नहीं, पता नहीं था मुझको कि ब्लैक पहनने वाली है. सर, मैं तो, मेरा तो खैर रीजन है, बिकॉज़ मैं पतला लगता हूँ ब्लैक में. अच्छा, पर ये तो किसने बोला आपको? क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मनोज सर, आपके पास नहीं काली शर्ट कोई? मैं काला पहनू सफेद पहनू, मेरे को कोई नहीं बोलता कि पतला लग रहा है. प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो डर जाते हैं, अरे तूने वेट लूज किया क्या? प्लीज यार ये मत करना यार, कंटिन्यूटी खराब. पर आप बड़े क्यूट लगते हो. अरे सर कोंकणा, आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट हैं आप माशाल्लाह. तो ब्लैक साड़ी पहनने को कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है. और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं थोड़ा, मैं वैसे भी सोबर हूँ तो मैं सुबह कलर पहनती हूँ. ओके. वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कोंकणा.
कोंकणा बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका कोंकणा है ना हाँ मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप तेरे को तो बस सुंदर लड़की दिखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है हाँ. तो क्या करें कभी कभी देखने को मिलती नहीं तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई है हमारे शो में हमारे पर मुझे लगता है कोंकणा आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं और आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले वो हमेशा कंकना बोलेगा कंकना कोंकणा क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर शी यूज्ड टू कॉल मी कणकणा सो आई हैव बिकम यूज्ड टू इट पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम एग्जैक्टली है जैसे होता है ना किंग कॉन्ग हांगकांग कोंकणा कोंकणा सो इजी एक्चुअली कोंकणा So it's a unique name, na? Yeah. Amazing. Otherwise, naam itne common hote, jaise Kapil. No, jaise Archana. Shiro, no, no, no. Ye Archana bhi inhone baad mein industry mein aake rakha. Pehle inka naam Raju tha. Raju! Ninad sir, aapke baare mein suna, aap actor to hain hi, voice over artist bahut acche hain, singer bhi hain. तो इंडस्ट्री में आप कोई एम लेके आए थे कि जिद थी आपकी भी कैसे भी घुसना है हैं थिएटर में घुसने से पहले सोचा था कि कुछ सिंगर बनना चाहता था बेसिकली कभी ट्रेनिंग ऐसे कभी ली नहीं अच्छा जी लेकिन थिएटर में भी कुछ ऐसा रोल मिला जिसमें गाना था तो बहुत खुश हो गया मैं अच्छा जी और उस रोल के लिए कुछ एक्टर का अवार्ड वगैरह मिल गया तो सोचा है एक्टिंग भी शायद कर पाऊंगा तो वैसे सिलसिला वहां से शुरू हुआ लेकिन इस बारे में मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी फिल्म में गाना है जो राम प्रसाद जी के बेटे बने हैं अच्छा उनका एक गाना है जो चारों भाई मिलके गाते हैं अच्छा जी अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से एक आवाज तो एक सिंगर है उनकी है और जो तीनों भाइयों की आवाज है वो निनाद ने गाया अच्छा अकेले ने अच्छा कोंकणा मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं थैंक्स टू सीमा जी सीमा जी के कहने पे आई हैं आप मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करती आई मीन बिल्कुल बिकॉज़ ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई हैव कम ना ओह थैंक यू सर आपने अभी बोला लाइक करते फिर बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए पर आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं कोंकणा मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं मेकअप से देखी फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सितारे भी देखी थैंक यू बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं थैंक यू सो मच सीमा मैम मनोज सर जी आपके हस्बैंड हैं जी तो राम प्रसाद की 13वीं में ये मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि इनसे एक वादा किया ये मुझे इज्जत देंगे मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ रहा है अच्छा सेट पे कैसा होता है आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है यू नो थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई एक बार या बहुत बार दो तीन बार हुई बिकॉज क्योंकि आप डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं खाना खा रहे हैं और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा। हु करते रहेंगे ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे एक आध बार मैं भी फैल गया मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने जाती हो सेट पे तो तुमसे ज्यादा कोई मस्ती खोर नहीं होता और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी हमारी जो है सबसे ज्यादा ही मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे निनाद हो विनय पाठक हो विनीत हो चाहे कोई भी सब की रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है कॉफी का मग लेके आएंगे व्हाट इज दिस अच्छा अच्छा ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे ना आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ प्लीज बिल्कुल हाँ अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी. अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा दे. ये तो खाली ताली पर जाएंगे दोनों चलो आओ तो क्या हुआ इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा किस चीज का ट्रेनर ट्रेनर मतलब करेंगे वहां पर और ये दूसरे जो शख्स बैठे निनाद अच्छा। इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा अच्छा। कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे वाँ वाँ। मैं भी सोचू अच्छा मैं करता ऐसा था कब से हो गया मैं करता था चुप रहो एक मिनट अभी जो मैं आगे आ रही हूँ सुनो दोनों का आ गया जी ठीक है उसके बाद दो दिन तीन दिन तो बहुत रहा ऐसा एक्सरसाइज हो रही है मैं भी सोच रही हूँ हाँ यार बात तो है बंदों में काम तो कर रहे हैं
पांचवें दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया है, उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में समोसा के हाथ में, ये उससे मंगवाने लग गए। अच्छा वो वहां से मोटा होके आया हुआ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.